हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर। तो देखिए, आज हम आपसे बात करेंगे मीडिया स्टेनम के बारे में। तो सबसे पहले वही कि मीडिया स्टेनम होता क्या है। तो देखिए, मीडिया स्टेनम होता है एक टाइप से स्पेस। तो ये क्या होता है, दिस इज मिडिल स्पेस बिटवीन टू लंग्स। जो हमारे दो लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मीडिया स्टेनम। अब मीडिया स्टेनम कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम पूरा का पूरा एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आपको सबका सब क्लियर करेंगे, इसके बाउंड्रीज डायग्राम और पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन कि मीडिया स्टेनम क्या होता है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इनके कंटेंट कैसे याद करें और बाउंड्रीज कैसे याद करें। ओके, और मीडिया स्टेनम को आप पढ़ते कहाँ पे हैं, थोरेक्स एनाटॉमी में। तो देखिए, हमारे चैनल पे थोरेक्स एनाटॉमी नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आपको थोरेक्स के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। हर्ट रहा, लंग्स रहा, इसके अलावा थोरेसिक अओर्टा रहा, जो भी टॉपिक्स आप थोरेसिक एनाटॉमी में पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको थोरेक्स एनाटॉमी प्लेलिस्ट में। तो मीडिया स्टेनम की बात करते हैं, तो सबसे पहले कि मीडिया स्टेनम बेसिकली दो होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीडिया स्टेनम। ओके, तो सबसे पहले वही मीडिया स्टेनम होता क्या है, दिस इज मिडिल स्पेस बिटवीन लंग्स। तो दिस इज मिडिल स्पेस बिटवीन लंग्स। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। बेसिकली मीडिया स्टेनम दो होते हैं, सुपीरियर मीडिया स्टेनम और एक होता है इन्फीरियर मीडिया स्टेनम। सुपीरियर मीडिया स्टेनम और एक होता है हमारा इन्फीरियर मीडिया स्टेनम। ओके, अब देखिए इसको इन दो पार्ट में डिवाइडेशन का बेसिक क्या है, मतलब किस बेसिस पे मीडिया स्टेनम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, इसका बेसिक होता है एंटीरियर साइड होता है एक्सटर्नल एंगल और पोस्टीरियर साइड होता है लोअर बॉर्डर ऑफ T4 वर्टिब्रा। ओके, उसके बाद देखिए जो इन्फीरियर मीडिया स्टेनम होता है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो इन्फीरियर को तीन पार्ट में डिवाइड किया, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। ओके, अब इन इन्फीरियर को भी तीन पार्ट में डिवाइड करने का बेसिक क्या है, देखिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड करने का बेसिक है हमारा पेरिकार्डियम। ओके, अब आते हैं इनके बेसिक्स पे। सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर टू पार्ट में डिवाइड किस बेसिस पे किया, तो इसका बेसिस में लिख रहा हूँ नीचे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय, इस कलर के स्केच से लिख देते हैं बाई। ओके, बाई का मतलब है एंटीरियर साइड, हमने इसको डिफरेंस, देखिए इसका पूरा एक डायग्राम बनाएंगे। अभी इस वीडियो में पूरा थ्योरेटिकल समझा रहे हैं आपको, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा का एक सेपरेट डायग्राम बनेगा। तो एंटीरियर साइड बाई एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल बोल दीजिए या एंगल ऑफ लुईस बोल दीजिए, एक ही बात है। ओके, एक्सटर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुईस, एक ही बात है। और पोस्टीरियर साइड, देखिए ना सुपीरियर इन्फीरियर किया तो आगे भी कोई मार्किंग होगी, पीछे भी कोई मार्किंग होगी, तो आगे की साइड मार्किंग है, आगे की साइड क्या होती है एक्सटर्नल एंगल होगी, आगे की साइड मार्किंग, पीछे की साइड क्या होती है वर्टिब्रा, तो पीछे की साइड मार्किंग क्या होगी वर्टिब्रा, तो कौन सी वर्टिब्रा, लोअर बॉर्डर ऑफ T4, लोअर बॉर्डर ऑफ थोरेसिक फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो सुपीरियर इन्फीरियर डिवाइड किया इस बेसिस पे, एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर तीन पार्ट में हमने इन्फीरियर मीडिया स्टेनम को डिवाइड किया किस बेसिस पे, पेरिकार्डियम के बेसिस पे। तो बाई पेरिकार्डियम। ओके, तो पेरिकार्डियम के बेसिस पे एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर में डिवाइड किया। अब देखिए बेसिकली, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पिकअप होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप होता है इनकी बाउंड्रीज,
कि मीडिया स्टेनम की बाउंड्रीज क्या है, मीडिया स्टेनम में भी सुपीरियर मीडिया स्टेनम की क्या बाउंड्री है, इन्फीरियर की क्या है, एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर की क्या बाउंड्रीज है। तो देखिए हम सारों की बाउंड्रीज एक साथ पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं मीडिया स्टेनम की बाउंड्री पे। अब देखिए बाउंड्री तो होगी तो चारों तरफ की बतानी पड़ेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर इसके बाद सुपीरियर इन्फीरियर और ईच साइड, मतलब पांच जगह से, और पांच जगह बताएंगे तो पूरा 3D कवर हो जाएगा। तो कैसे कैसे बतानी पड़ेगी हमें, मीडिया स्टेनम की बाउंड्री बतानी है, इसकी एंटीरियर बाउंड्री, ओके, एंटीरियर के बाद एक बताएंगे हम इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री, देन थर्ड पे बताएंगे इसकी सुपीरियर बाउंड्री, फोर्थ पे बताएंगे इसकी हम इन्फीरियर बाउंड्री, और फिफ्थ पे बताएंगे इसकी ऑन ईच साइड, मतलब दोनों तरफ बोल दीजिए, लेटरल बोल दीजिए, राइट लेफ्ट बोल दीजिए, लेकिन बेस्ट रहेगा ऑन ईच साइड। ओके, इन पांच पॉइंट के अंदर पूरा मीडिया स्टेनम की हमको बाउंड्री बतानी है। तो मीडिया स्टेनम की हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको बाउंड्री, तो मीडिया स्टेनम की बाउंड्री को हम पांच पॉइंट के अंदर बता रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब देखिए मीडिया स्टेनम की बाउंड्री में सबसे एंटीरियर साइड क्या होगा, एंटीरियर साइड सबको पता होगा स्टर्नम होगी। देखिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये थ्योरेटिकल बता रहे हैं, डायग्राम में सारा आपको क्लियर हो जाएगा। पोस्टीरियर साइड क्या होगी, वर्टिकल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इसके बाद कॉलम, ओके, इसके बाद सुपीरियर साइड ऊपर की साइड क्या होगा, ऊपर की साइड होगा हमारा थोरेसिक इनलेट, और इन्फीरियर साइड क्या होगा, इन्फीरियर साइड होगा हमारा डायफ्राम, और ऑन ईच साइड डायफ्राम होगा, एंड ईच साइड दोनों साइड क्या होंगे, दोनों साइड होंगे हमारे मीडिया स्टेनल प्यूरा। तो ऑन ईच साइड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑन ईच साइड लिखेंगे हम मीडिया स्टेनल प्यूरा, मीडिया स्टी आई आएगा, सॉरी मीडिया स्टेनल, यह है मीडिया स्टेनल प्यूरा। प्लूरा मतलब दोनों साइड लंग्स होंगे ना, ऑन ईच साइड लंग्स होते हैं, देखिए क्या है मिडिल स्पेस बिटवीन लंग्स, तो प्लूरा मतलब लंग्स की कवरिंग। ओके, तो ये पांच बाउंड्रीज हो गई किसकी, मीडिया स्टेनम की। अब आते हैं सुपीरियर मीडिया स्टेनम की बाउंड्री। ओके, अब देखिए सुपीरियर मीडिया स्टेनम की बाउंड्री कुछ नहीं है, हम इसी बाउंड्री को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली नीचे वाली। तो बेसिकली डिफरेंस कहाँ आएगा, इन्फीरियर पे आएगा, कॉमन सी बात है ना, बहुत कॉमन सी बात है, इन्फीरियर पे कैसे आएगा, देखिए इसको इसकी बाउंड्री एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर, इन पांचों की बाउंड्री को हम समझेंगे डायग्राम से, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, देखिए सारा एकदम क्लियर करेंगे। इसके बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों की बाउंड्री और कंटेंट क्लियर करेंगे। ओके, तो ये सारा था मीडिया स्टेनम का फर्स्ट वीडियो, इसके बाद आएगा सेकेंड वीडियो जिसमें बताएंगे सारी की सारी बाउंड्रीज। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।